में हमसे कहा गया है, ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 40 kmph एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड v. एट द स्पीड v, द एवरेज स्पीड इज 48 kmph, द वैल्यू ऑफ v इज. तो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि कोई कार है वो टोटल 200 मीटर चलने वाली है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितने से 40 kmph से चलेगी और सेकेंड हाफ जो डिस्टेंस बचेगा उसको v से चलेगी, जिससे कि एवरेज स्पीड कितनी होनी है 48 kmph. तो हमें वो v की वैल्यू बोलनी है. तो देखिए, यस, यहाँ पे देखिए, ये टोटल 200 मीटर है, फर्स्ट 100 मीटर कितनी स्पीड से 40 kmph से कवर करेंगे. नेक्स्ट सेकेंड हाफ फिर से 100 मीटर, इसको v से कवर करेंगे. जो इसका एवरेज आएगा v एवरेज, वो वाला 48 kmph आएगा, राइट. तो ये हमें दिया गया. अब यहाँ पे फर्स्ट हाफ के लिए जो टाइम लगेगा मान लेते हैं t1, सेकेंड हाफ के लिए जो टाइम लगेगा उसे बोलेंगे t2. आई होप क्लियर हुआ होगा. यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं. चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ. t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड 40. यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, अपने आप आंसर में जो यूनिट से कटने वाले हैं. नेक्स्ट t2 के लिए अगर लिखेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई स्पीड v, क्योंकि टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है. v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम. बताइए v एवरेज की वैल्यू कितनी है, 48. टोटल डिस्टेंस कितना था यहां से यहां तक, 200 डिवाइडेड बाई t1 कितना है, 100 डिवाइडेड बाई 40 प्लस ये वाला कितना है, 100 डिवाइडेड बाई v. तो यहां से आप 100 को कॉमन निकालिए, तो ये वाला 48 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट 1/40 प्लस 1/v. आई होप क्लियर हुआ होगा. यहां से ये वाला 100 और ये 20 काट देंगे, राइट. ये वाला 2 इसके साथ काट देंगे तो 24. एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये 24 इंटू ये पूरा ब्रैकेट इधर लेके आएंगे तो ये 1/40 प्लस 1/v. RHS में क्या बचेगा, 1. तो ये एज इट इज. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. अब आप इसको अंदर लेके आइए, 24 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 24 डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 1. क्लियर. 4 के टेबल में अगर इसको निकाल देंगे तो ये 10, 4 के टेबल में इसको निकालेंगे तो ये 6. क्लियर है. नेक्स्ट, ये 3 से और ये वाला 5 से, ये 3/5 को उस साइड भेजेंगे तो इधर बचेगा 24 डिवाइडेड बाई वी विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, 5 - 3 क्या आएगा, 2/5. अब यहाँ से ये वाला 2 और ये 24 काट देंगे तो ये 12. 12 डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 1/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 60, यानी कि 60 kmph. देखिए कोई ऑप्शन मैच करता है क्या, तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2. आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा. अगर सॉल्यूशन समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए.